नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के बरही में पति बीमारी से हुआ पीड़ित तो पत्नी के साथ हो गई मारपीट। मासूम बच्ची के सामने मां की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पति लीव की बीमारी से पीड़ित हुआ तो परिजनों ने संपत्ति हड़पने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। मासूम बच्ची के सामने मां पिटती रही। यह मामला बरही थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में घटित हुआ। एडिशनल एसपी कटनी संतोष डहरिया के समक्ष उपस्थित होकर बरही निवासी पीड़ित पूनम गुप्ता ने बताया कि उसका विवाह 7 वर्ष पूर्व बरही निवासी धनेन्द्र गुप्ता के साथ हुआ था। करीब 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पति शराब पीने के आदी हैं और लीवर की बीमारी से पीड़ित है। पूनम ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग पति ने पति की संपत्ति हड़पने उसके साथ जमकर मारपीट की है। क्या शिकायत करने आए हैं आप और क्या मामला है? हमारी पुत्री पूनम गुप्ता बरही में वार्ड नंबर 7 में धनेन्द्र गुप्ता के यहाँ ब्याही थी। लगभग 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। 1 साल तक सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद धनेन्द्र गुप्ता की माँ और धनेन्द्र गुप्ता की बहन इससे जेवरात मांगने लगी, बार बार बीच बीच में मारपीट करने लगी। तो उसके बाद जब 2 साल हुआ तो वह सहती तो रही, लेकिन 2 साल के बाद उसके मैंने जब पेट में बच्चा हुआ आ गया तो उस समय पर उसे प्रताड़ित करने लगी और 9 महीने तक पूरा प्रताड़ित की, जिसमें 2 माह के लिए वो फिर अपने मायके चली गई। और मायके जाने के बाद जब वो समय आ गया, घर से निकाल दिए तो मायके चली गई। उसके बाद जब डिलीवरी का समय आया तो वो आई और 15 दिन बाद डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी हॉस्पिटल हुई। जब डिलीवरी हुई तो बच्ची का जन्म हुआ, जिस कारण से वो 3 दिन तक वहाँ पड़ी रही। कोई घर का सदस्य वहाँ नहीं गया देखने के लिए। 4थे दिन जब वो आई तो उसके बाद अपना घर में आए तो ये विवाद करते रहे। विवाद करने के बाद में उससे बार बार जेवरात मांगते रहे और उसको निकालने की धमकी देते रहे। इस पर उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन समझौता बस फिर माता पिता नहीं आए। इसके पश्चात जब बच्ची को बहुत ज़्यादा उलाहना मिलने लगा तो इसने अपने पति से कहा कि भाई चाहे एक ही कमरा कहीं ले लें, किराए से ले लें। तो किराए से न लेकर के पति ने अपने नाम पर ज़मीन खरीद करके और बरही बस स्टैंड के पीछे अपने नाम का मकान बनवाया। जैसे ही मकान बना वैसे ही उनकी माँ, उनकी बहन और उनके जेठ जेठानी सब उसमें कब्जा कर लिए। तो बच्ची ने संतोष करके कि हम पुराने घर में ही रहे आएंगे, तुम सब लोग नए घर में रह जाओ, रहने लगे। मैंने काफ़ी समय तक अच्छा उनका माहौल रहा। उसके पास अभी ऐसा क्या हुआ है कि आपको एसपी ऑफिस? अभी 14 तारीख को वो इससे पुनः मैंने सारे जेवरात मांगने आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने के कारण पैसे की आवश्यकता होती है। 14 को जेवरात जब मांगने आए तो वो जेवरात नहीं दे रही थी और एक पॉलिसी थी बीमा की, उस पैसे उसको पॉलिसी को उसने दिया और कहा कि इसको भुना करके पहले दवाई कराएं, इसके बाद एक एक करके हम जेवरात बेच करके देंगे, क्योंकि वो दारू पीते हैं तो हम पैसे यदि इकट्ठा दे देंगे तो सबको बेच करके वो दारू पी जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि हम एक एक करके जेवरात। अभी इनके साथ क्या मारपीट हुई है क्या? अभी बेटी के साथ में 15 तारीख को सवेरे इसके ननद नंदोई सिंगौड़ी वाले रामदत्त गुप्ता और उसकी पत्नी भारती गुप्ता और मानपुर वाले पुष्पेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी आरती गुप्ता, जो इसके नंद नंदोई हैं, वह 15 तारीख को सुबह 6 बजे इसके घर में आए। आने के बाद में दरवाज़ा खुलाते रहे, ये नहीं खोली तो इसके हस्बैंड उठ करके दरवाज़ा खोले। जैसे ही दरवाज़ा खोले हैं तो ये बाथरूम में थी, तो इसकी जो बड़ी नंद भारती है वह इसकी बाल पकड़ करके इसको खींच लाई और खींचने के बाद जैसे खींची तो ये भी अपना कुछ की होगी, हाथ पैर यहाँ हमारी होगी। से आपने क्या मांग की है अभी? हमने मांग किया है सबसे पहले जो उसकी छोटी बच्ची है 3 वर्ष 9 माह की, वो प्रत्यक्षदर्शी है, उसका बयान लिया जाए और बयान लेकर के उसके बयान के अनुसार पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण गुप्ता है, मेरी वो छोटे भाई की बच्ची है। देखिए, मंडी में जो निरीक्षक हैं उनके द्वारा आप इसमें आके एक शिकायत की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कोई व्यक्ति उनको जो है बार बार उनकी झूठी शिकायत कर रहा है वरिष्ठ कार्यालय में। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें हम जाँच कर रहे हैं, अभी जो भी तक सामने आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।